राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के मार्गदर्शन में इस अदालत में जिले भर के काफी मामलों का निपटान किया गया। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के मार्गदर्शन में आयोजित लोक अदालत में अनेक मामले रखे गए। इनमें से अधिकतम मामलों का निपटारा कर दिया गया। जिला मुख्यालय के अलावा तोशाम, सिवानी और लोहारू न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लोक अदालत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आपराधिक मोटर वाहन दुर्घटना, वैवाहिक बैंक ऋण, दीवानी मामले, चेक बाउंस, राजस्व आदि से संबंधित मामले रखे गए। इस प्रकार से जिले भर की अदालतों में अनेक मामले निपटाए गए। प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम शिफा ने बताया कि सभी पैनल अधिवक्ता और पीएलवी इस दौरान मौजूद रहे। साइज की भी है जिसमें टोटल 11 बेंचेस बने हैं। ये सभी बेंचेस ने सभी नेचर के केसेस, सिविल, क्रिमिनल, मोटर व्हीकल टेकअप किए हैं। लोक अदालत का सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि लोक अदालत का जो फैसला है उसकी कोई अपील लाए नहीं करती, तो केस आज ही ख़त्म हो जाएगा और दोनों पार्टीज की सहमति और कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे ये केस आज ख़त्म होते हैं। हम कोर्ट फी का भी रिफंड कर देते हैं लोक अदालत के केसेस में, इसीलिए इकोनॉमिक एडवांटेज भी रहता है। इसीलिए हम हमेशा एनकरेज करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आएँ और लोक अदालत में अपने केसेस लगवाएँ। अपनी मांगों के समर्थन में मिड डे मील यूनियन कार्यकर्ता शनिवार को एक बार फिर सड़क पर उतरे। जिले भर के मिड डे मील कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री